अला सैयदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदिना व अस्हाब सैयदिना व अज़वाज सैयदिना व औलाद सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लम बाद समदो सला। इस महफिल के रूह रवां पीर तरीकत रहबर शरीयत क़िबला अल्हाज अल्हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद सूहू दामत बरकात मुलालिया प्यारी जमात सगोरी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 10 मिनट आइन जल्दी में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ चंद मारूज़ा तमानी खिदमत में पेश करे और पांजी जगह वठंदुस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरान रशीद में इरशाद फरमायो तौहा कसम आहे मुखे तौहा जो। अल्लामा काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ के अंदर इन लफ्ज़ तौहा जो जिक्र कंदे पाण फरमायो जेको अल्लाह करीम तौहा फरमायोन फरमायो इनमा मुराद इस्म मिन अस्माई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। ये अल्लाह करीम जेको मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम जो इते खास जिक्र फरमायो आ फरमायो तौहा मुखे कसम आ तौहा जो इनमा मुराद तुझे मुझे आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी जाते ग्रामी आ कसम आ मुखे जाते मुस्तफ़ा जो। इमाम वासी रहमतुल्लाह ताला अलैह लफ्ज़ तौ हा जो जिक्र कंदे फरमायो तौ मां मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलात व सलाम जी तहारत आ हा मां मुराद हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जो हादी हुजण आ। यानी कि अल्लाह करीम कुरान मजीद बुरान रशीद में जेको कसम इरशाद फरमायो रब्बे कायनात फरमायो मुखे मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलात व सलाम जी तहारत जो कसम आ मुस्तफ़ा करीम के हादी होजण जो कसम है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी हयात मुबारक आ। अच्छा मैं इन का पैर अर्ज़ कंदा तो हुजूर हर इंसान की जिंदगी में को खास हों को आम हों ये ही आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही वही हुजूर की रिसालत हुजूर की नबुवत के दिठो वने ताका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुवत रिसालत आम ही हर इंसान के लिए जिन्न के लिए पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी कुछ खास अफराद मौजूद हुआ तो मैं अचा तो आयत मुबारक की तरफ रब्बे कायनात जो कसम इरशाद फरमायो तौहा कसमा तहारत मुस्तफ़ा जो कसमा मुस्तफ़ा करीम के हादी होजण जो ताका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी जेकी जिंदगी रही सो रही उन का बाद में हाँ अड़ेन हस्तिन जो होजन जरूरी हो जैसे तहारत मुस्तफ़ा जो हिस्सो मिलो हो जैसे हिदायत जो ताज पारा वे हो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी पूरी जिंदगी रिसूँ था हर एक आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी बारगाह में अची करे फैज़ वठंदो रहयो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जी जात उनके पाक कंदा रहा तहारत से नवाजींदा रहा उनको तस्किए नफ्स कंदा रहा। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमायो ना वाती वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमहुम अल-किताब वल-हिक्मा मुस्तफ़ा करीम की जात तो उहा जात आ जेका अची करे तमाके ताजे तस्य नफ्स भी कयो तमाके पाक कयो साफ कयो लेकिन तहारत मुस्तफ़ा जो सब का वधीक जेको फैज़ मिलियो विलायत जो जेको फैज़ मिलियो अगर असा दिसूं था सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा खातून जन्नत महफूज़ा अनिल खता सलामुल्लाह ताला अलैहा जी जात के जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतरो त तहारत जो फैज़ दिनो जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जा औसाफ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी रंगत सैयदा कायनात में असा के दिसण में अचे थी जै वक्त सैयदा कायनात उथन थियो तो ये महसूस थी रो ये तो मुस्तफ़ा जो उथण है सैयदा कायनात हलन थियो घुमन थियो कदम खड़न थियो ये महसूस थी रो ये तो मुस्तफ़ा करीम जो हलन आ ये तो मुस्तफ़ा करीम की गुफ्तगु महसूस थी रही आ सैयदा कायनात खाइन थियो तो महसूस थी रो आ तो ये मुस्तफ़ा करीम खाई रहा है।
ज़रूरी हुयो मुस्तफ़ा करीम के विसाल का बाद में अड़ी हस्ती हुजन इस्बत तहारत जो जो मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलात व सलाम के अल्लाह करीम नवाजो हो वह अड़ी हस्तियों में मुंतकिल थियण घुर्जे जो पूरी जी पूरी कायनात के लिए हिदायत जो सरचश्मो थियन हिदायत के लिए रहनुमाई थियन उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई जो सबब बनजन खुद हिदायत जहाँ चश्मा थियन खुद ईमान जो हिस्सो थी वन बल्कि इन ईमान थी वन यो तहारत जो हिस्सो हजरत सैदना मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तनो जन के इन अंदाज में मिलो जै वक्त आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के का मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत फरमाई आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौला अली के हुक्म फरमायो ए मौला अली तू मुझे बिस्तर ते आराम कर ऐ तोखे कुछ भी न थींदो हजरत मौला अली आराम फरमायो सजी रात कुफार जेको हुआ मुहासरो कंदा रहा ये महसूस थो उन ये चवन लगा तो मुस्तफ़ा करीम की जात सुती पई यानी कि फैज़ जो कमाल हुयो वो फैज़ मुंतकिल थो हजरत सैदना इमाम हुसैन की जात में सैदना इमाम हसन मुश्तबा की जात में जै वक्त उन बिन्हीं हस्तियों के असूँ था तो एक हस्ती के भी बिहार वे बी हस्ती के भी बिहार वे वो इस्मत तहारत वो जो मुस्तफ़ा करीम सैदा कायनात के फैज़ अता फरमा हजरत मौला अली के फैज़ अता फरमा वो सजो मुंतकिल थो कुछ हिस्सों हजरत हसन मुश्तबा की तरफ और कुछ हिस्सों हजरत सैदना मौला इमाम हुसैन की तरफ जै वक्त बिन्हीं हस्तियों के अस बिहारे करूँ था तो ये महसूस मुस्तफ़ा करीम की जात है वो तहारत इस्मत वारो एतरो मकाम मर्तबो हजरत सैयदा कायनात के मिलंदो रहयो जो अल्लाह करीम खुद कुरान पाक में फरमायो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाह करीम तो चाहे ही ये तो ए मुझे नबी जा घर वारो अल्लाह करीम तमा के हर गुनाह खा हर ऐब खा हर नक्स खा तमा के पाक साफ करे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हुई पाक आइन हर ऐब खां हर गुनाह खां पाक आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एतरो तफेज़ अता फरमायो जो सैयदा कायनात खुद भी पाक सैयदा मौला कायनात भी पाक सैयदा हजरत इमाम हसन भी पाक सैयदना इमाम हुसैन भी पाक थी वो एतरो तो उनके मकाम मिलो फरमायो फअना मुतहरून मां भी पाक आया सैयदा जी औलाद भी जहन्नम जी आजाद जा पाक आजाद आए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का हजरत लाजमी आ जैसे अड़ी हस्तियों इंदियों तो उन मकाम मर्तबो उन फजीलत कमाल वारी फजीलत होंगी यही वजह है तो अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमायो अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फदलिही मानू तो उन्होंने अल्लाह करीम जो उन्होंने फसल अता फरमायो उन्होंने साड़ कन था उन्होंने हसद कन था तो एतरी फजीलत छो इनके एतरो इल्म छो इनके एतरो मकाम छो इन ही आयत करीमा की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइन था तमाके खबर है मानू जैसा हसद कन था साड़ कन था वे केर आन फरमाए नहनु अन्नास दून अन्नास कायनात में बो केर भी ना है जैसा मानू हसद कन था अगर हसद कन था मानू जैसा वे असाई ता है वो हल बेता था हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जन बस आखिरी गाल जमाने में जै वक्त मदाइन फतह थो माले गनीमत जमा कयो वयो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुक्म फरमायो माले गनीमत के मस्जिद नबवी में आंदो वने कपड़ा बिछाया वया माले गनीमत उन्होंने मथा रखो वो हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जन हुक्म फरमायो जै वक्त माले गनीम तकसीम करण जो सब का पेरी हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अची कर फरमाइन था ए अमीरुल मोमिनीन माले गनीमत में मुख्य हिस्सो अता कयो वने हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वेलकम कन था भलीकार कन था फरमायाऊं तमा वडे वडी इज्जत वारा आयो वडे मान वडे शान वडे मकाम मर्तबे वारा आयो लिहाजा हजरत सैयदना इमाम हसन
मुश्तबा के 1000 दिरहम माले गनीमत में हिस्सो अता कयो वयो। हजरत सैयदना इमाम हसन अलैहि सलाम पांजो हिस्सो वठी करे उता तशरीफ खणी वया। अड़ी तरह उनका बाद में हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा सलाम अलैहि सलाम जन तशरीफ फरमा थिया। फरमायाऊं ए अमीरुल मोमिनीन मुखे माले गनीमत में हिस्सो अता कयो वने। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हनि खे भी इज़्ज़त वारे अल्फाज़न सां याद कयो। अल्लाह करीम तव्हां खे वॾो मरतबो वॾो मक़ाम अता फरमायो आहे। उन्हनि खे बि 1000 दिरहम माले गनीमत मां हिसो अता कयो वियो। उन खां बाद में सननि जो शहज़ादो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन हाज़िर थी करे अर्ज़ु कनि था ए अमीरुल मोमिनीन मूंखे बि माले गनीमत मां हिसो ॾिनो वञे। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे साहिबज़ादे खे 500 दिरहम माले गनीमत मां हिसो ॾियनि था। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जो साहिबज़ादो अर्ज़ु करणु लॻो ए अमीरुल मोमिनीन मूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी ज़ात सां गॾु जिहाद कयो आहे। मूं ज़ख़्म खाधा, कुफार सां विढ़ियो आहियां। उन वक़्तु हसनैन करीमैन जी एतिरी उमिरि बि न हुई, लिहाज़ा मुंहिंजो ज़्यादा हक़ थिए थो त या त उन्हनि जे बराबरि हिसो ॾिनो वञे या उन्हनि खां वधीक हिसो ॾिनो वञे। क़ुर्बान वञा हज़रत सैयदना उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन जी ज़ाते गिरामी तां पाण फरमायाऊं, हाओ तोखे ॾिनो वेंदो, तुंहिंजी ख़्वाहिश पूरी कई वेंदी, लेकिन पहिरीं वन त सही, अगरि तूं उन मुंहिंजे कमु करे अचे त लिहाज़ा तोखे उन्हनि जे बराबरि हिसो ॾिनो वेंदो। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो, फातिनी बि अबिन का अबी हिमा व उम्मिन का उम्मी हिमा व जद्दिन का जद्द हिमा व जद्दिन का जद्द हिमा व अम्मिन का अम्मी हिमा व खालिन का खाल हिमा फइन्नका ला तातीनी बिही। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदाइन फ़तह हुआ, माले गनीमत तकसीम किया गया। हज़रत हसन मुश्तबा को 1000 दिरहम, हज़रत इमाम हसन को 1000 दिरहम, हज़रत इमाम हुसैन को 1000 दिरहम। जब आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत पर हाज़िर होते हैं और माले गनीमत उनको दिया जाता है तो उनमें से 500 दिरहम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया जाता है। तो आपने एतराज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन मेरी उम्र बड़ी है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया है, मेरी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, मैंने इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया, अपने जिस्मों पर ज़ख्म खाए, लिहाजा मेरा हक़ ज़्यादा मनता है कि माले गनीमत में से मुझे ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। तो उस वक्त हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अज़ीम शान ख़िताब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, हाओ तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले जा तो सही, हसन व हुसैन जैसी वालिदा तो किसी के वालिदा लेकर आ, हसन व हुसैन के बाबे जैसा किसी का बाबा तो लेकर आ, हसन व हुसैन के नाने जैसा किसी का नाना तो लेकर आ, हसन व हुसैन की खाला जैसी किसी की खाला तो लेकर आ, हसन व हुसैन के मामू जैसा कोई मामू तो लेकर आ, हसन व हुसैन जैसे चाचे का जैसा चाचा तो लेकर आ। हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात इरशाद फरमाई और साथ ये भी फरमाया, जा तू कायनात का कोना कोना ढूंढ ले, तू कभी भी उन जैसी माँ नहीं ला सकता, उन जैसा बाबा नहीं ला सकता, उन जैसा नाना नहीं ला सकता, उन जैसी नानी नहीं ला सकता, उन जैसा मामू नहीं ला सकता, उन जैसा चचा नहीं ला सकता। क्यों? आपने खुद वजह बयान फरमाई, फरमाया इसलिए हसन और हुसैन की जो माँ है वो पता है कौन है। फरमाने लगे, हसन और हुसैन की माँ खातून जन्न सलामुल्लाह, क्योंकि कायनात अर्ज़ो समा में अगर तलाश किया जाए सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्न सलामुल्लाह ताला अलैहा जैसी कोई बेटी तो लाकर दिखाए। माँ के एतबार से देखा जाए सैयदा पाक जैसी कोई माँ तो लेकर आए। तो आपने फरमाया, क्योंकि आपकी वालिदा सैयदा फातून जन्नत है, आपके वालिद हजरत सैयदना हैदर कर्रार हैं, आपके नाना हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली सल्लम है, आपकी नानी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और आपके चचा हजरत सैयदना जाफ़र बिन अबी तालिब हैं। तो ये पूरा ख़ानदान देखे किस तरह हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी अज़मत बयान की। यकीनन अहले बैत अतहार जैसा कायनात में कोई नहीं है। आखिर दावा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। ये थे मुफ्ती मोहम्मद अली सिकंदरी साहब जो खिताब दिल नवाज़ फरमा रहे थे। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं,
لو كان ذنبي حب آل محمد فذاك ذنب لست عنه أتوب. आप फरमाते हैं कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत गुनाह है, आप फरमाते हैं कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत गुनाह है तो ये एक ऐसा गुनाह है जिससे मैं कभी तौबा नहीं करूँगा। इंशाल्लाह खिताबात का सिलसिला जारी रहेगा। सब अहबाब अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें, मैयार को बरकरार रखें, कुशादगी करें। फ़फ़सहु यफ़सहिल्लाहु लकुम। दूसरों का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पर जो मेहमानान गिरामी हैं उनके लिए कुशादगी करें। बैठ जाएं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी मैं हुज़ूर क़िबला बाबा साईं के हुक्म के तहत खिताब के लिए दावत दूंगा। अभी बस माशाअल्लाह बाबा साईं स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, अपनी मसनद नशीन हैं, तो जल्द ही उनका खिताब होगा। लेकिन आप बैठें तो सही। अभी मैं दावत खिताब के लिए दावत दूंगा इस्लामाबाद से आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद तबस्सुम साहब, जो अफकार सूफिया के चेयरमैन हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो वह तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब दिल नवाज से सामईन के दिल को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। और महफिल के आदाब को मद्देनज़र रखते हुए जमी अहबाब अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा हो। बाबा सही ने सबको देख ही लिया है, अब बैठ जाएँ बस।